बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रियाजुद्दीन ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से विनिस टीवी के नाज़रीन को खुशामदीद करता है, वेलकम करता है। जैसा कि आपको पता है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में यहां पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। सिडनी की आबादी की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 70 लाख के करीब है, और जबकि इस स्टेडियम की जो कैपेसिटी है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की, इसकी कैपेसिटी जो है 48,000 यानी 48,000 के करीब है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखें बैकग्राउंड पे तो कितने सारे शायकीन जो है यहाँ पर आए हैं, और दूसरे ममालिक से भी आए, न्यूजीलैंड से आए, सिडनी के अलावा जितने भी दूसरे शहर हैं उससे भी यहाँ पर ये सारे शायकीन जो है तशरीफ आए हैं और आज के मैच को देखना चाहते हैं। क्रिकेट की वर्ल्ड कप की तारीख की बात करें तो पाकिस्तान ने 92 के वर्ल्ड कप में इससे कब जो है न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर फाइनल में खेलने का इजाज़ हासिल किया था, और फिर पाकिस्तान ने इमरान खान की क्यादत में इस वर्ल्ड कप को जीतने का कारनामा अंजाम दिया था। जबकि उस टीम में रमीज राजा भी थे जो आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके साथ साथ जावेद मियांदाद होते थे और दूसरे हमारे प्लेयर्स थे जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का गुजारा किया था। इस वक्त हमारे साथ शायकीन मौजूद हैं, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि ये सिटी क्रिकेट स्टेडियम में बड़ी तादाद में शायकीन जो है यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? समीर साहब। समीर साहब कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? अच्छा, पहला सेमीफाइनल हो रहा है, आप इंडिया की टीम जो है वहाँ सेमीफाइनल पहुंच चुकी है और इधर पाकिस्तान की टीम जो है वो भी सेमीफाइनल, किस तरह से देख रहे हैं आप आज के मैच को? आप बिल्कुल चाहते हैं कि आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान और संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने जाते हैं, उससे बड़ा इवेंट क्रिकेट वर्ल्ड में दूसरा हो नहीं सकता है, तो उम्मीद करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। देखिए हमारे साथ ये बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और जाहिर है क्या नाम है आपका? अनुषा। अनुषा जाहिर है आप तो अनुषा क्रिकेट से आप शौक रखते अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अगर टॉस जीत गया तो उसको क्या चूज करना चाहिए बैटिंग? जी बेटा, क्या नाम है आपका? वेरी गुड, क्या बताएं कौन जीतेगा? पाकिस्तान जीतेगा। आयशा कौन जीत रहा है? आज कौन जीत रहा है? पाकिस्तान। आपका नाम? उमेर साहब। आज जाहिर है पाकिस्तान की टीम जो है पहला सेमीफाइनल खेल रही है, आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की टीम जो है टॉस जीतती है और अगर बैटिंग करती है तो कितने रन बनाने चाहिए उसको? कम से कम 200 रन तो बनाने चाहिए। अच्छा, और अगर हम फील्डिंग ले तो हमें कितने पे आउट कर देना चाहिए? जितने कम पे आउट हो सके उतना अच्छा। क्या नाम है आपका? गौरव है, मैं सिंगापुर से आया हूँ। वहाँ जबरदस्त देखा आपने कि हमारे साथ शायकीन है जिनका ताल्लुक इंडिया से, सिंगापुर में रहते हैं और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए आए हैं। क्या किस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को आप? आपका नाम? मेरा नाम मजावन है। कहाँ से आए हैं? हमारा चुनाव से आए मैच को देखने के लिए। जिंदाबाद। किस तरह से देख रहे हैं आज के मैच? इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, ये बताइए कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो खेल रहे हैं पाकिस्तान, उन्होंने लास्ट मैच में 4 विकेट ली थी, क्या समझते हैं कि आज के मैच में इससे ज्यादा लेगा? अच्छा, इंशाल्लाह। वेरी गुड, जबरदस्त। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस वक्त यहाँ पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि खासी बड़ी तादाद में यहाँ पर शायकीन मौजूद है और सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम जीते, लेकिन पाकिस्तान की टीम को मैच जीतने के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना होगा। जिस तरह से जब टूर्नामेंट शुरू हुआ यहाँ पर तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ और इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत अच्छा हुआ, पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम मैच जीत जिससे जिस तरह जिम्बाब्वे के खिलाफ भी पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया लेकिन जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। उसके बाद पाकिस्तान ने बैक टू बैक साउथ अफ्रीका को हराया, नीदरलैंड को हराया, उसके बाद बांग्लादेश को हराया, और फिर अल्लाह ताला का खास करम भी ये हुआ कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका की टीम को हरा कर पाकिस्तान को सेमीफाइनल पहुंचने में मदद दी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो है ये बड़ा तारीखी मैच हो रहा है और यकीनन पाकिस्तान की टीम जो है उसको आज के इस मैच में जीतना चाहिए, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम जीतेगी। थैंक यू वेरी मच।